नमस्कार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के YouTube चैनल ज्ञान सुधा में आप सभी का स्वागत है। आयुक्त महोदय श्रीमान संदेश जी नायक की पहल पर कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बेहतरीन व स्तरीय वीडियो बनाकर ज्ञान सुधा चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे राजस्थान तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सहायता मिल सके। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार बुडानिया, सह आचार्य राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, आज इस वीडियो के द्वारा भारत से संबंधित सामान्य जानकारी आपसे साझा करने जा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल पेपर के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। इस पेपर में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के परिचय के बारे में, सामान्य जो जानकारियां हैं उनके बारे में आज बात करेंगे, और उसी के तहत सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की ग्लोब या विश्व में अवस्थिति या उसका विस्तार कितना है। हम ये जानते हैं कि भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में है और यह एक विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट बौद्धिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणिया, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियां तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में सातवें नंबर पे आता है, और इससे बड़े जो देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनमें सबसे बड़ा जो देश है विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से वह रूस है। उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, फिर चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्राजील है और फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि जो दक्षिण से उत्तर की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। यह मुख्य भूमि की हम बात कर रहे हैं। यदि आप संपूर्ण भारत की बात करें तो उसमें जो हमारे द्वीप समूह हैं वो भी शामिल होंगे, तो उसके अंदर फिर हमें अंडमान निकोबार जो है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर यदि आप देखें तो यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। ये जो स्थान है हमारे अंडमान निकोबार में, जो निकोबार द्वीप समूह है उसका जो दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वहां से इसकी शुरुआत होती है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का यदि अक्षांश से विस्तार हम देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है, जो जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी भाग है, इसे हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थिति क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिण तक बिंदु है, ये जो बिंदु है जो कन्याकुमारी जिसे हम कहते हैं, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी अक्षांशीय स्थिति जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इस मानचित्र से आप देख सकते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो अक्षांशीय दृष्टि से जैसा मैंने बता दिया, और देशांतरीय दृष्टि से भी आप देख सकते हैं, और यदि किलोमीटर में आप देखें तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है भारत का ये 3214 किलोमीटर है, और यदि
पश्चिम से पूर्व की तरफ आप देखें या पूर्व से पश्चिम वाला जो विस्तार है उसे यदि आप देखें तो ये 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। मानचित्र में यदि आप देखेंगे तो ये जो भाग है बंगाल की खाड़ी में, यहां अंडमान निकोबार स्थित है और इधर जो अरब सागर है इसमें ये जो आप देख सकते हैं लक्षद्वीप यहां पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से हम जानते हैं, जो कहां स्थित है, यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिण बिंदु है, जो अक्षांशीय रूप से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह 2004 में यदि आपको ध्यान हो तो सुनामी आई थी और सुनामी के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया और इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी हम जानते हैं। इस ये एक टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। देश की चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं की जो अंतिम सीमा बिंदु है उनको इसमें बताया गया है। दक्षिणतम जो बिंदु है जैसा हमने पहले बात कर ली, इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। उत्तरतम जो बिंदु है जो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, ये जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग है। पश्चिमोत्तर जो बिंदु है जो गुजरात में स्थित है, इसे गोर माता या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर जो बिंदु है जिसे किबिथू के नाम से हम जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है उसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। यदि मानचित्र में आप देखेंगे तो आप देखें ये वाला जो भाग है ये पश्चिमतम बिंदु है गुजरात में गोर माता, ये अरुणाचल प्रदेश में किबिथू के नाम से ये लिखा हुआ है किबिथू, ये इंदिरा कोल है उत्तर में, और दक्षिण में आप देखें तो ये मुख्य भूमि पे कन्याकुमारी है। और यदि आप द्वीप समूह को शामिल करें यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये जो स्थान है जहां पे पॉइंटर आपको दिखा रहा है यहां पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। यदि भारत में हम कर्क रेखा की स्थिति को देखते हैं, हम ये जानते हैं कि कर्क रेखा है मकर रेखा है, ये किसी भी भौगोलिक भूभाग को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करती है और भारत के करीब करीब मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इस मानचित्र में आप यदि देखेंगे तो भारत के जो राज्य हैं जिनसे होकर ये गुजरती है, तो पश्चिम से यदि हम चलें तो आप देखिए ये कर्क रेखा दिखाई गई है लाल लाइन से, और गुजरात से सबसे पहले गुजरती है, गुजरात आता है, फिर राजस्थान का ये जो दक्षिण भाग है बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला भाग यहां से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ का भाग आता है, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है वहां से गुजरती है, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से यदि आप देखें तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बीच में बांग्लादेश है वहां से भी गुजरती है, लेकिन भारत के राज्यों की यदि हम बात करें तो भारत के 8 राज्य हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, क्रम से आप देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। कर्क रेखा भारत को करीब करीब 2 भागों में विभाजित करती है और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह है कि भारत का जो दक्षिण भाग है वो उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है और उत्तरी जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो इसका जो प्रभाव है वो सामान्य रूप से किसी क्षेत्र के जलवायु पे भी पड़ता है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे हिमालय की स्थिति इस प्रकार की है कि कर्क रेखा के कारण बहुत बड़ा फर्क हमारे यहाँ पे जलवायु पे नहीं पड़ता। आप यदि देशांतरीय प्रमुख रेखा की बात करें तो जो भारत की जो मानक समय रेखा जिसे हम कहते हैं, जिससे भारत का जो समय है वो निर्धारित होता है, वो 82.5 डिग्री पूर्व की जो रेखा है उसे माना गया है और यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहते हैं। यह भारत के 5 राज्यों, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग है,
फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से पांच राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर हमारी जो मानक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो इन पांच राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन से होकर गुजरती है 0 डिग्री की रेखा, 0 डिग्री देशांतर जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, वहां से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। हम ये सब जानते हैं कि 5.5 घंटे हमारा समय जो है वो लंदन से गुजरने वाले ग्रीनविच रेखा से आगे चलता है। जनांकीय एवं भौगोलिक आकार की यदि हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो करीब 121 करोड़ थी। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और इस प्रकार से पूरे विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 7.5% जो जनमानस है वो भारत में निवास करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि भारत के बारे में हम बात करें तो पहले मैं बता चुका हूं कि भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल करीब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो कि विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% है, यानी 2.5% ऑफ द टोटल स्थलीय धरातल की हम बात कर रहे हैं उसका 2.4% भाग है। भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमा रेखा की यदि हम बात करें, यानी ये इस मानचित्र में आप देखेंगे तो जो लाल रेखा से जो लाइन बनाई हुई है ये भारत की स्थलीय सीमा रेखा है और जो नीचे इस मानचित्र में आप देखेंगे ये जो रेखा है नीचे उसे हम तटीय सीमा रेखा कहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। हम ये जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो काफी देश हैं जिनसे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मिलती है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगुनी है, यानी जो तटीय सीमा रेखा है उससे स्थलीय सीमा रेखा दो गुना है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। और जो पड़ोसी देश हैं हमारे और उनके साथ कितनी सीमा रेखा हम बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी हम उसे कहते हैं, वो इस टेबल में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिस देश से हम बनाते हैं वह है बांग्लादेश और करीब 4,096 किलोमीटर की सीमा रेखा हम बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। चीन की यदि हम बात करें तो 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान से हमारी सीमा रेखा कुल है वो 3,323 किलोमीटर है। नेपाल से 1,751, म्यांमार से 1,643, भूटान से 699 और सबसे कम सीमा रेखा जिस देश से हमारी लगी हुई है वो है अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर की सीमा रेखा जिससे हम बनाते हैं। यदि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ सीमा रेखा के साथ साथ कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं उनकी यदि हम बात करें तथा इन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है तो इस टेबल में ये दिया हुआ है। भारत के राज्य व पड़ोसी देश, यदि बांग्लादेश की हम बात करें तो सर्वाधिक सीमा रेखा हमारी इससे लगती है और भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा रेखा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। यदि आप यहां देखेंगे तो सबसे पहले आप यदि ये बीच वाला जो मानचित्र है इसको यदि देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा ये जो ग्रीनिश जो मानचित्र है बीच में ये बांग्लादेश का है और ये देखिए ये वेस्ट बंगाल की सीमा रेखा लगती है इधर से इधर तक। उसके बाद आप देखेंगे ये देखिए मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इस प्रकार से 5 राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा बांग्लादेश से लगती है। अगला यदि चीन के साथ सीमा रेखा की हम बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा चीन और भारत के बीच में है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से हम जानते हैं और ये 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश क्योंकि जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है,
इसलिए ये थोड़ा सा बदलाव इसमें आप देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश राज्यों की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें लद्दाख है नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है जिनसे इसकी सीमा रेखा लगती है। यदि आप देखेंगे ये पाकिस्तान के साथ, ये चीन के साथ सीमा रेखा है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना, तो जम्मू कश्मीर इधर वाला भाग, ये जो भाग है ये लद्दाख का है जो चीन के साथ लगता है। राज्यों की यदि हम बात करें तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश ये रहा, उत्तराखंड, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, ये चार राज्य हैं जिनसे चीन की सीमा रेखा मिलती है या लगती है। पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसके साथ तीन राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा रेखाएं लगती हैं। आप यदि देखेंगे तो इधर से दक्षिण से यदि शुरू करें, ये वाला जो मानचित्र है, गुजरात की सीमा रेखा, राजस्थान की काफी सीमा रेखा इससे लगती है, फिर पंजाब और पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य था जिसे आजकल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है उससे भी पाकिस्तान की सीमा रेखा लगती है। तो इस प्रकार से तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिनसे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे से मिलती है। इसी प्रकार से नेपाल की यदि हम बात करें तो पांच राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। आप देखेंगे नेपाल के साथ ये बीच वाला जो मानचित्र है इसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ऊपर वाला जो भाग है ये देखिए यहाँ पे, ये जो भाग है यहाँ इसकी सीमा रेखा नेपाल के साथ लगती है। म्यांमार की यदि हम बात करें तो चार राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम और मणिपुर। सिद्ध में एक लाइन में आप देखेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये चारों के चारों राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ये चार राज्य। भूटान के साथ यदि सीमा रेखा की बात करें तो पश्चिम बंगाल का कुछ भाग है जो इसके साथ जुड़ता है, मिलता है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और असम है, ये भूटान यहाँ, ये वाला वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये बीच में भूटान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके साथ इसकी सीमा रेखा लगती है। और यदि अफगानिस्तान की हम बात करें तो फिलहाल भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिससे अफगानिस्तान की सीमा रेखा लगती हो। पहले जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा रेखा इसके साथ लगती थी, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया इसलिए हम कह सकते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे अफगानिस्तान की सीमा रेखा मिलती है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, डुरंड लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, चीन के साथ मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा और अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा, ये हमें ध्यान रखना, बहुत जो कंपटीशन एग्जाम्स है उनमें ये पूछा जाता है, क्योंकि ये पीपीटी जो है वो इसी हिसाब से ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आपके कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये काफी उपयोगी साबित हो। तो ये राज्य कौन कौन से सीमाएं बनाते हैं, कौन सीमा रेखा को क्या नाम से जाना जाता है, लंबाई के आधार पे कौन से ऐसे देश हैं जिनसे सर्वाधिक सीमा रेखा लगती है, सबसे कम कौन से हैं, ये हमें इसमें ध्यान रखना है। ये मानचित्रों के द्वारा आप देख सकते हैं, ये मैंने बताया था कि अफगानिस्तान के साथ ये जम्मू वाला ये भाग है इससे इसकी सीमा रेखा लगती है। फिर तटीय सीमा की यदि आप बात करें, ये जो तटीय सीमा है हमारी गुजरात से लेकर इधर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल तक, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि यानी ये जो भूमि है यानी प्रायद्वीपीय जो भाग है उसी की ये बात कर रहे हैं फिलहाल, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, तथा इसकी सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वह है गुजरात। इस टेबल से आप देख पाएंगे कि कौन सा ऐसे राज्य है जो सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, गुजरात। भारतीय द्वीपों को यदि इसमें शामिल कर दिया जाए तटीय सीमा रेखा में, यानी अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के द्वीपों को भी यदि शामिल कर लें तटीय सीमा रेखा में, तो समुद्री तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है वो 7516
6.6 किलोमीटर हो जाती है। बहुत सी किताबों में ये लंबाई जो है 7516 ही मिलेगी आपको, और जो एग्जैक्ट है वो 7516.6 किलोमीटर है। इस टेबल के द्वारा हम देख सकते हैं। तो यदि द्वीप समूह को भी आप शामिल करते हैं तो आप देखेंगे अंडमान निकोबार जो द्वीप है, क्योंकि बहुत से द्वीप है वहां पे, तो उनकी जो तटीय सीमा रेखा है वो सर्वाधिक है। लेकिन यदि राज्यों की हम बात करें तो वहां कौन सा राज्य आएगा, उसमें आएगा गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आएगा आंध्र प्रदेश ये वाला जो भाग है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, इस प्रकार से अन्य राज्य हैं। और कुल जो सीमा रेखा है वह 7516.6 किलोमीटर। जितने भी तट हैं भारत के उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो महाराष्ट्र के आसपास वाला जो तट है, इस मानचित्र में आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है इसे हम कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट। और ये कोस्ट लाइन ऑफ समर्जेंस है, यानी किसी समय ये पानी के नीचे डूबा हुआ है। केरल के आसपास वाला जो भाग है, गोवा, केरल, कर्नाटक, इसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। ये नाम लिखा हुआ मालाबार, क्योंकि इसको कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस कहते हैं, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ कोस्ट लाइन, इसलिए इसको हम कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस कहते हैं, मालाबार कोस्ट। और यदि पूर्वी भाग की तरफ चले तो उड़ीसा के आसपास वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं उत्कल कोस्ट, उत्कल। फिर उससे दक्षिण वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं नॉर्थ सरकाज। फिर आंध्र प्रदेश वाले जो तटीय भाग है उसके दक्षिण में यदि आप जाएंगे तो वो जो भूभाग है उसे हम कार्नेटिक प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, ये वाला जो भाग है तटीय भाग इसको कार्नेटिक प्लेन कहते हैं। और जो तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है, जो तट है, उसे हम नाम दे देते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, पयान घाट भी कहा जाता है उसे, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और भारत के जो तटीय भाग है वहां पे कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो बार बार आपसे पूछी जा सकती हैं। ये देखिए आप येलो कलर के अंदर लिखा हुआ है, उड़ीसा में स्थित है तट के ऊपर, जिसे हम चिल्का लेक कहते हैं, चिल्का। दक्षिण में आ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है वहां पे एक झील है जिसे हम कहते हैं पुलिकेट झील। और पश्चिम में केरल तट पे आप देखिए तो वहां पे एक झील है जिसे हम वेम्बानद के नाम से जानते हैं। वहां पे भी बहुत सी छोटी छोटी झीलें हैं जिन्हें बैक वाटर्स के या पश्चे जल के नाम से भी जाना जाता है, बैक वाटर्स कहते हैं, विस्तार से हम आगे बात करेंगे इस बारे में। तो ये तट की स्थिति है। तो यहाँ हमने एक महत्वपूर्ण बात ये सीखी है कि जो मुख्य भूमि का तटीय भाग है वो कितना लंबा है, 6100 किलोमीटर। और यदि इसके अंदर हम दोनों द्वीपों को मिला लें, यानी उनकी तट को भी मिला लें, तो कुल जो भारत की समुद्र तटीय रेखा है वो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो ये यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और देश है जो भारत में पड़ोसी देश के रूप में स्थित है, चूंकि मुख्य भूमि उसकी हमसे नहीं जुड़ती है, वो है श्रीलंका, जो दक्षिण में स्थित है। और माइथोलॉजिकली भी श्रीलंका का बड़ा महत्व है भारत की माइथोलॉजी में। हम ये जानते हैं रामायण के समय में इसके बारे में काफी बात होती रही है। और ये जुड़ता है एक एक ब्रिज बनाया हुआ यहाँ बताया गया है जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। आप इस मानचित्र में देखेंगे तो मुख्य रूप से श्रीलंका किस प्रकार से भारत के नजदीक है ये दिखाया गया है। और फिर जो ये वाला भाग है जो जोड़ता है भारत और श्रीलंका को, इसको थोड़ा विस्तार से इधर के मानचित्र में बनाया गया है। तो भारत का जो भाग है यहाँ देखेंगे ये है रामेश्वरम, इसके थोड़ा और आगे जाएंगे आप तो यह है धनुषकोडी। तो अंतिम जो स्थान है भारत का श्रीलंका की तरफ वो है धनुषकोडी। वहां से एक ब्रिज शुरू हो जाता है, एक पुल है जिसको एडम्स ब्रिज के नाम से हम जानते हैं, एडम्स ब्रिज, ये जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। और श्रीलंका का जो स्थान है, जो सबसे पहला स्थान है, उसे हम कहते हैं तलाई मनार, तलाई मनार, उसके बाद मनार है, तलाई मनार। भारत की तरफ जो द्वीप है उसको हम कहते हैं पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप। और श्रीलंका की तरफ जो द्वीप है उसको हम कहते हैं मन्नार द्वीप। तो ये कुछ बातें हैं जो कई बार आपके काम आ सकते हैं, पूछी जा सकते हैं। आप देखेंगे कि इस मानचित्र में देखिए आप ये जो भाग है इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी।
ये वाला जो भाग है इसके उत्तर वाला, इसको हम कहते हैं पाक दे, पाक दे कहते हैं इसको। और ये जो भाग है, ये जो भाग है यानी इस मानचित्र में लिखा, इसमें आपको दिखाया गया है कि ये जो बीच का जो भाग है भारत और श्रीलंका को यहां से जो जलीय भाग अलग करता है उसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट, पाक जल डबरू मध्य, पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये पाक स्ट्रेट है, ये श्रीलंका का जाफना वाला, जाफना पेनिनसुला का नाम सुना होगा वो है, ये पाक बे है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और ये बीच की ये बात करें जहां ये जुड़ रहा है भारत और श्रीलंका, वहां आप देखेंगे पम्मन द्वीप जहां रामेश्वरम स्थित है, इसका अंतिम जो शोर है, जो अंतिम स्थान है भारत, वो है धनुषकोडी, उसके बाद एडम्स ब्रिज या एडम्स पुल जो है वो शुरू होता है, और फिर तल्लाई मन्नार श्रीलंका का जो स्थान है वो आ जाता है। इस प्रकार से श्रीलंका और भारत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी ये मैंने आपसे साझा की हैं भारत के बारे में, सामान्य जानकारियां जो भौगोलिक हैं, और ये आपके बहुत से कॉम्पिटिशन में काम आने वाली हैं। आगे भी हम इसी प्रकार से नई जानकारियां लेकर आपके पास आएंगे। धन्यवाद।